तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। ये अपना श्री के साथ पहली ट्रिप है हरिद्वार के लिए, तो चलिए चलते हैं। ये भी तैयार है, मैं भी तैयार हूँ और साक्षी भी तैयार है, बाकी लोग भी सब रेडी हो गए। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं ये ब्लॉग और अपना हरिद्वार का फर्स्ट ट्रिप विद समृद्धि श्री। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा। तो फ्रेंड्स, अपनी टाइम हो रहा 10:59, अभी देखिए निकलने में आधा घंटा लगेगा, 15-20 मिनट रेडी होने में। तो चलिए चलते हैं। 11 बजे हम अपनी सोसाइटी से निकल रहे हैं यहाँ पे और देखते हैं कब तक पहुँचेंगे। बारिश तो यहीं से स्टार्ट होगी। ये अपना समृद्धि की पहली ट्रिप। ये अपना परथला चौक, यहाँ से भी हम लोग स्ट्रेट चलेंगे गॉड सिटी चार मूर्ति की तरफ, फिर वहां से मेरठ एक्सप्रेस वे। यहाँ पे अपना ये गॉड चौक है, यहाँ से ये स्ट्रेट ही दिखा रहा है बट शायद हमको लेफ्ट लेना है। वैसे देखते हैं, ये अपना गॉड सिटी सेंटर। तो यहाँ से सामने अपना दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे है, यहाँ से लेफ्ट लेके फिर यू टर्न लेके ऊपर चढ़ेंगे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे में। तो डिस्टेंस अपना ये देखिए, इस तरह से इसमें दिखाता है कि जो ऊपर की रोड जानी है सीधे। तो फ्रेंड्स, हम लोग वही 11:30 बजे यहाँ से निकल लिए अपना ग्रेटर नोएडा से, और गाज़ियाबाद आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में गाज़ियाबाद है। स्ट्रेट हम लोग चलेंगे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर, और यहाँ से 60-76 मतलब ऐसे ही कुछ होगा किलोमीटर्स। फिर इसके बाद मेरठ बाईपास, फिर खतौली, मुजफ्फरनगर, रुड़की और फिर हरिद्वार। तो ये रूट रहेगा आज का अपना, और सेम डे हमको वापस भी आना है आज शाम या रात तक। अब यहाँ से एंटर करेंगे एक्सप्रेस वे का। तो यहाँ से अपना ये स्ट्रेट चलना है, राइट साइड वाली जो रोड है वो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे है। अभी हम लोग NH 24 जो कि अब NH 9 हो गया उस पर चल रहे हैं, हापड़ रोड वाला, और आगे से एंट्री ले लेंगे यहाँ पे। ये देख सकते हैं NH 9 से फिर एंटर कर जाएंगे हम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरह से हमें राइट लेन में चलना है। यहाँ कैमरा बहुत सारे लगे हुए हैं, 100 की स्पीड लिमिट रहेगी अपनी मेरठ तक के लिए। ये अपना सामने से एंट्रेंस है मेरठ के लिए, एंट्री नंबर 3 से हम लोग एंटर होंगे। तो ये दिल्ली से एंट्री काउंट होती है 1, 2, 3 स्टार्टिंग वाला जो है अपना अक्षरधाम के पहले है, फिर सेकंड, फिर थर्ड। ये देखिए इस तरीके से एंटर करना है। हम लोग एंटर हो गए 11:30 एग्जैक्टली। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है मेरठ तक पहुंचने। ये दोनों ही सीधे ही दिखा रहा है, तो स्पीड का बहुत ध्यान रखिएगा नहीं चालान कट जाएगा यहाँ पर। 100 की स्पीड लिमिट है और कई जगह ये मॉनिटरिंग है कैमरे की। इसमें तो हमारे में दिखा देता है महिंद्रा का मैप जो मेटल्स वाला है, इसमें तो कैमरा का दिखाता है, बट अगर आप वैसे चल रहे हैं तो 100 से क्रॉस हो जाए तो चालान हो जाएगा मेरठ तक, जितना डीजल लगेगा उतना चालान में। तो वो ध्यान रख के चलिएगा, 100 की स्पीड लिमिट है। तो फ्रेंड्स, इस रूट पे आपको मिल जाएंगे काफ़ी सारी रोडवेज और प्राइवेट बसेस, और आगे देख सकते हैं नोएडा डिपो की अपनी UPSRTC की बस जा रही है मेरठ के लिए, और यही सेम रूट है देहरादून के लिए, देहरादून मसूरी। और नैनीताल का भी अभी कॉमन ही चल रहा है, आगे हापुड़ के लिए नैनीताल वाला रूट अलग हो जाएगा, हम लोग स्ट्रेट दिल्ली मेरठ पे सीधे निकल जाएंगे और आगे से वो रूट अलग हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल कॉमन है, और ये रूट अभी लखनऊ के लिए भी जाता है स्ट्रेट बरेली होकर। यहाँ से गाज़ियाबाद और हापुड़ का एग्ज़िट है, अगर आपको नैनीताल, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ के लिए जाना है तो यहाँ से एग्ज़िट लेना होगा। हम लोग यहाँ से स्ट्रेट चलेंगे मेरठ, हरिद्वार और देहरादून वाले रोड पर।
ये एग्जिट है यहाँ से हापुड़ के लिए, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है अपना हापुड़ और ईस्टर्न पेरिफेरल के लिए एग्जिट यहाँ से और स्ट्रेट मेरठ हरिद्वार। तो फ्रेंड्स अपना ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का रेस्ट एरिया आ गया, तो एक ही रेस्ट एरिया इसमें पड़ता है, ये देख सकते हैं यहाँ से ये अपना रेस्ट एरिया है। और अभी हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हम लोग मेरठ के पास रुकेंगे। ये फ्रेंड्स अपना सोनीपत के लिए एग्जिट आ गया 15-20 मिनट ही हुआ, और यहाँ से आप एग्जिट लेंगे तो आप जा सकते हैं चंडीगढ़ है, इंडियन ऑयल चंडीगढ़ या नॉर्थ पंजाब हिमाचल कहीं भी जाना है तो यहाँ से एग्जिट ही पता नहीं है। हम लोग स्ट्रेट चले गए और अभी गाड़ी का 19.6 एवरेज हो गया, स्टार्टिंग में जब निकला था तो 16 का स्टार्ट हुआ था मैडम, अब लगभग हाफ हमने क्रॉस कर लिया दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस पे, यहाँ से लगभग 32 किलोमीटर और बचा हुआ है मेरठ, जो कि आधा घंटा और लगना चाहिए यहाँ से। फर्स्ट टोल है जर्नी का, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का टोल प्लाजा, और इसके थोड़ी आगे ही है अपना मेरठ का एग्जिट। तो देखते हैं सारे, ये अच्छी बात है कि सारे ऑन है यहाँ पे, मोस्टली कई जगह ऐसा होता है कि बंद रहते हैं यहाँ पे, तो उसकी वजह से जाम भी लग जाता है। लाइट रेड है बट खुल गया। ये अपना दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का टोल प्लाजा, काशी फी प्लाजा नाम से, अभी चलते हुए हमको हाफ एन आवर हो गया लगभग। तो ये अपना फ्रेंड्स मोदी नगर का एग्जिट आ गया, यहाँ से लेफ्ट में मोदी नगर है और हम लोग चलेंगे स्ट्रेट मेरठ के लिए, और सामने अपना वो RRTS वाला भी आ गया। लास्ट ईयर जब मैं आया था मैंने आपको दिखाया था कंस्ट्रक्शन हो रहा था, आप पुरानी वीडियो में देख सकते हैं, और बाकी इस बार बन चुका है पूरा, तो ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। अब यहाँ से हम लोग आगे जाके मेरठ के लिए एग्जिट लेंगे, ये मोदी नगर का है, इसके बाद आगे मेरठ का एग्जिट है, और ये अपना ऊपर जो लाइन जा रही है ये RRTS है दिल्ली मेरठ, अभी आधा चालू हुआ है, और ये अपना फाइनली मेरठ के लिए एग्जिट आ गया। तो मेरठ हमको आने में लगभग आधा घंटा लगा नोएडा से, ये अपना मेरठ सिटी के लिए राइट में जा सकते हैं, हम लोग बाईपास से चलेंगे हरिद्वार स्ट्रेट, यहाँ पे इस तरह दिखाता भी अपना मैप ना, मेरठ इधर सीधे हरिद्वार, मैप बहुत अच्छा है महिंद्रा का। बाईपास जैसे स्टार्ट होगा अपना, यहाँ पे खाने पीने के काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं छोटे छोटे से, और ये थोड़ा बड़ा भी है सिवा फैमिली ढाबा, बट हम लोग आगे चलेंगे खतौली बाईपास पे रुकेंगे मेरठ क्रॉस करके। तो ये फ्रेंड्स द मार्स रिजॉर्ट है, काफ़ी लोग इधर भी रुकते हैं यहाँ पर, हम लोग स्ट्रेट चलेंगे बट थोड़ा और आगे, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है चले हुए, मेरठ बाईपास पे चल रहा है, और ये देखिए इस तरीके से दिखाता है इसमें फ्लाईओवर चढ़ने के लिए। तो फ्रेंड्स हमने मेरठ पूरा क्रॉस कर लिया है और अभी टाइम हो रहा है 12:20, ये अपना RRTS का स्टेशन लास्ट, जैसे उसके बाद भी होगा मेरठ के बाद वाला। अब यहाँ से मेरठ से हम लोग चलेंगे मुजफ्फरनगर रुड़की होते हुए हरिद्वार, बारिश अभी रास्ते भर में कहीं पर भी नहीं रुकी है नोएडा से लगातार, फ्लाईओवर में चढ़ना है। तो ये फ्रेंड्स अपना वेस्टर्न यूपी टोल प्लाजा है मेरठ और मुजफ्फरनगर के बीच में, तो अभी हम यहाँ से चलते हैं। कौन सा बैंक है तुम्हारा? जो भी अमाउंट होगा मैं नीचे डाल दूंगा स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स इसके बाद भी एक हाईवे कैफे करके है यहाँ पे, बट अभी थोड़ा आगे रुकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमने 12:30 बजे हम यहाँ पे रुके हैं मामा यादव शिवा ढाबा पे, यहाँ पे अपना इंटरसिटी वाली बस भी खड़ी है और जैन शिकंजी भी है, काफ़ी सारी चीज़ें और भी हैं यहाँ पे, तो यहाँ रुकते हैं और फिर आगे चलेंगे, बस ये एक ही स्टॉप है अपना रास्ते का। तो फ्रेंड्स अपने गाड़ी को यहाँ पार्क कर दिया है और ये अपना शिवा ढाबा, तो चलते हैं यहाँ पे लंच करके फिर आगे चलते हैं।
तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं श्री के साथ, ये उधर देख रहे हैं पूरा नया होटल अपना। अब चलते हैं यहाँ पे शिवा ढाबा पे, ऑर्डर करते हैं, फिर आगे चलेंगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। हर हर महादेव। तो फाइनली अपना खाना स्टार्ट हो गया, छोला भटूरा, पराठा और ये डोसा। यहाँ पे अभी हमने लंच किया था और यहाँ से सिकंजी लिया। ये अपना भाई मामा यादव नहीं रुद्र शिवा ढाबा मामा यादव। तो अब यहाँ से चलते हैं, सिकंजी भी ठीक थी, खाना भी ठीक था और ऑलमोस्ट एक घंटा हमने यहाँ पे स्टे किया। एक घंटा क्योंकि बच्चा आया तो थोड़ा टाइम लगता है। तो अब यहाँ से चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी। हर हर महादेव। तो ये फ्रेंड्स अपना जो है डेस्टिनेशन, अभी 4:15 का दिखा रहा है टाइम। यहाँ से 120 किलोमीटर है। तो अब चलते हैं, यहाँ से जर्नी अपनी कंटिन्यू करते हैं। 120 किलोमीटर और बचा हुआ। तो फ्रेंड्स हम लोग मुजफ्फरनगर पहुँच गए, 1:40 हुआ। मतलब मुजफ्फरनगर नहीं, सॉरी खतौली पहुँच गए, खतौली बाईपास। आगे बाईपास से हम लोग मुजफ्फरनगर की तरफ जाएंगे और राइट में खतौली के लिए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग मुजफ्फरनगर बाईपास की तरफ चल रहे हैं यहाँ से, और बहुत सारे इस रोड पे आपको ढाबे मिल जाते हैं अच्छे वाले, और मोस्टली सब प्योर वेज ही है। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे यूपी रोडवेज और उत्तराखंड दोनों की गाड़ियाँ काफ़ी खड़ी हैं। और हम लोग अभी खतौली बाईपास एंड हो गया, अब आगे सीधे मुजफ्फरनगर के लिए चले। फ्रेंड्स हम लोग मुजफ्फरनगर पहुंच गए और अब स्ट्रेट हम लोग चलेंगे हरिद्वार के लिए। यहाँ से अगर लेफ्ट जाएंगे तो आप देहरादून के लिए जा सकते हैं। ये है एग्जिट, ये अपना सेटअप नया। तो हम लोग रुड़की रोड पे चल रहे हैं और उधर वाली रोड जो थी वो देहरादून के लिए एग्जिट है, वो सहारनपुर होते हुए पानीपत के लिए एग्जिट है। डायरेक्ट जो रोड गया हुआ अम्बाला पानीपत के लिए लेफ्ट जा सकते हैं, यहाँ से शामली होते हुए। अपना बोर्ड आ गया हरिद्वार का, 72 किलोमीटर और 300 किलोमीटर के दौरान। ये फ्रेंड्स अपनी जर्नी का चौथा टोल प्लाजा है और ये अपना मुजफ्फरनगर रुड़की के बीच में। अपना ये चौथा टोल भी क्रॉस हो गया, अब चलते हैं आगे रुड़की की तरफ। फ्रेंड्स हम लोग बरकाजी क्रॉस कर चुके हैं और ये अपना अब उत्तराखंड और यूपी का बॉर्डर आ गया। ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ये अपना यूपी उत्तराखंड का बॉर्डर है। ये लाइन, डॉटेड लाइन जो है वो बॉर्डर है। और ये अभी हम लोग हरिद्वार सिटी मतलब में एंटर कर गए, जिला जो हरिद्वार है। यहाँ से उत्तराखंड स्टार्ट हो गया, उत्तराखंड में आपका स्वागत, देवभूमि उत्तराखंड। तो अभी फ्रेंड्स हम लोग जस्ट उत्तराखंड एंटर किए हैं, टाइम हो रहा है 2:48 और अभी एक्चुअली थोड़ा अमरूद खाने के लिए रुके थे यहाँ अपर गंगा कैनाल क्रॉस करके। यहीं पे अपर गंगा कैनाल ये है, इसको क्रॉस करके बस यहीं पे रुके हैं। तो अब आगे अमरूद का ब्रेक लेके फिर आगे चलते हैं। यहाँ से 45 मिनट्स और 3:30 का ETA हो गया, 4 से हम देखते हैं कब तक पहुँचते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स ये सामने अभी हिल्स दिख रहे हैं, देखें अभी हम लोग रुड़की के पास पहुँचने वाले हैं। डिस्टेंस अभी हरिद्वार तक 34 किलोमीटर है। बहुत बढ़िया व्यू है फ्रेंड्स, सामने आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं बहुत बढ़िया व्यू आ रहा है सामने पहाड़ों का।
समृद्धि भी आगे आ गई। क्या? 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 अभी 30 किलोमीटर बचा है अभी यहाँ से। अरे तुम्हार रुड़की हम लोग ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुके हैं और सॉरी 23 किलोमीटर है। 61 ऋषिकेश और 80 देहरादून। ये अपने सामने दिल्ली हरिद्वार वाली बस जा रही है मुजफ्फरनगर डिपो। ऐसी बहुत सारी बसेस चलती हैं उत्तराखंड और UPSRTC दोनों की। तो फ्रेंड्स ये हम लोग पतंजलि पहुंच गए अभी 3:10 हुआ। मतलब स्ट्रेट यहाँ से चल रहे हैं आगे हर की पैड़ी के लिए हरिद्वार। ये थोड़ा पहले ही पड़ जाता है यहाँ से 18 किलोमीटर अभी और हरिद्वार। तो ये अपना फ्रेंड्स सामने आप पहाड़ देख सकते हैं हरिद्वार वाले। ये पतंजलि सेंटर है। अपना रुड़की और हरिद्वार के बीच में ऐड आ गया। रुड़की हरिद्वार के बीच का टोल प्लाजा है। यहाँ से आगे चलते हैं। लास्ट टोल था 5वां टोल और अब आगे कोई टोल नहीं है। फ्रेंड्स देख सकते हैं चारों तीनों तरफ हिल्स का व्यू। हरिद्वार हम लोग पहुंचे गए हैं लगभग। तो ये फ्रेंड्स इधर से अपना ये रास्ता इधर कटा है। हम लोग स्ट्रेट चलेंगे ऋषिकेश देहरादून की तरफ और ये नीचे से आप नजीबाबाद के लिए जा सकते हैं लखनऊ। चंडी पुल पे हम लोग पहुंच गए चंडी पुल के पास। फ्रेंड्स यहाँ से एक इस तरफ आपको चंडी देवी मंदिर है, मनसा देवी मंदिर है इस साइड में, ऊपर पहाड़ पे दिख रहा है। और इधर इस वाली तरफ मनसा देवी मंदिर, इधर मनसा देवी। स्ट्रेट हम लोग जाएंगे तो ऋषिकेश देहरादून के लिए जा सकते हैं। बस हमें यहीं तक जाना है हर की पैड़ी तक। वो क्लॉक टावर दिख रहा है उधर की तरफ। तो ऑलमोस्ट हमें 4 घंटा लगे इंक्लूडिंग 50 मिनट्स का ब्रेक लगा। तो ड्राइविंग टाइम अपना 3 घंटा 10 मिनट था। तो फ्रेंड्स ये वाला वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। गाड़ी को देखिए पार्क कर दिया और टाइम हो रहा है अपना 3:30 तक हम पहुँच गए। तो 4 घंटा लगा, 4 घंटा ड्राइविंग टाइम, 3 घंटा 10 मिनट ही लगा। ये अपना हरिद्वार का पूरा व्यू, पीछे वो ऊपर मंदिर भी दिख रहा है मनसा देवी माता का। चलिए गाड़ी कितनी गंदी हो गई बट ये है कि ओवरऑल अच्छा ही है। तो ऐसे तभी तो मज़ा आता है कि जितना गंदा होता। और देख सकते हैं लोग कितना मतलब ऐसी जगहों पर भी ये सब करते हैं। तो थोड़ा ये सब अवॉइड करिए। ये अपनी मेन रोड है जो हरिद्वार से इधर ऋषिकेश देहरादून और इस साइड में हरिद्वार और इसके जस्ट बैक साइड में हर की पैड़ी है। तो चलिए वीडियो को भी यहीं एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।